नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप देखें तो हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है। तो इन सब सिचुएशन को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि ये लाइफ में आना एक सहज बात है। अगर आप एक जीवन जीते हो तो उसमें अलग अलग ऐसे प्रसंग आएंगे, अलग अलग आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। तनाव क्या है? एक्चुअली आप देखें तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ, दुख, गुस्सा, एग्रेशन, कभी कभी चिड़चिड़ापन, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हमारी जो भावना है, मतलब कि कोई भी एक्शन होता है तो उन पर हम रिएक्शन देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को साइकिल या पैदल चल के जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर जिम में जाता है तो जो उसके साथ कसरत करता है। वैसे हम देखें तो कभी हमें कोई पर्वत पे चढ़ना होता है, हम और आप जाते हैं धार्मिक स्थल हो या कोई भी जगह पे, तो हमें ऐसा लगता है कि चल के ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें होगी। लेकिन वही चीज़ जो एक माउंटेन रॉक क्लाइंबिंग करने वाला बंदा है वो एंजॉय करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन को वो व्यक्ति जो आनंद लेता है वो एक दूसरे अलग नज़रिए से देखता है, और हमें उसमें थोड़ा पेन दिखता है। तो पेन और गेन वो दोनों हमारे रिएक्शन पर डिपेंड है। आप देखिए, जीवन में हर एक दिन सेम टू सेम नहीं बीतता है। जीवन आगे पीछे, ऊपर नीचे, सुख और दुख के बीच चलता रहता है। हमारा जो माइंड है वो कैसे सोचता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो हमारे जो दिमाग में कुछ केमिकल होते हैं उनका बैलेंस चलता रहता है, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन। तो आपकी जैसी रिएक्शन और भावनाएं होती है उसके हिसाब से वो रिलीज होते हैं और हमारे लाइफ को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर तनाव आता है तो वो एक नेचुरल थिंग है, वो आपकी लाइफ में आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है। जीवन में जो तनाव होते हैं उनके कई कारण होते हैं, कभी कोई व्यक्ति के कारण, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, तो वो सोच पे भी डिपेंड है। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको उसको पहचानना चाहिए कि किस सिचुएशन में, कौन से वक्त, जो कोई एक्शन होता है, कोई आपके साथ घटना घटती है या कोई ऐसा मतलब मोड़ आ जाता है जब आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे स्ट्रेस लग रहा है, तो उसे पहचानना वो सबसे पहला स्टेज है। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो तनाव से लड़ने के लिए सबसे बढ़िया बात है वो आपका एक जो शेड्यूल होता है डे का, आपको बढ़िया नींद चाहिए जितनी ज़रूरत है उतनी, अच्छा आपका जो खाना पीना हो वो होना चाहिए। तीसरी बात, आपका थोड़ा एक सोशल नेटवर्क ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी बातें साझा कर सकें, और जिसके दोस्त होते हैं उनको तनाव महसूस कम होता है। तनाव तो महसूस सबको होता है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको तनाव नहीं होगा, लेकिन तनाव को मैनेज बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। कुछ आपके हॉबीज़ भी हो सकते हैं जो आपके तनाव को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसा वाक्य हो जाता है और आपको प्रेशर लगता है, स्ट्रेस लगता है, तो आप पहले उसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक्शन लोगे तो पता चलेगा कि आप लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते हो, यानी कि उसमें सफल होगे या निष्फल होगे। और ऐसा सोचिए, आपसे पहले भी काफ़ी लोग ऐसी सिचुएशन में पास हो चुके हैं और वो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। हर एक जीवन में कुछ ना कुछ आगे पीछे तो होता रहता है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, जो एक्शन होती है आप वो लीजिए, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ज़्यादा सोचने से ही आपका प्रेशर, तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको स्ट्रेस लगे तो सबसे पहले ये सोचिए इस सिचुएशन में अपना सबसे बेस्ट क्या दे सकता हूँ और क्या इसका हल हो सकता है। अगर आप सफल हो गए तो आप लीडर बन जाओगे, लीड करोगे। अगर आप निष्फल हो गए तो आप गाइड कर सकोगे किसी को कि आप ऐसा करो, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में, अनुभव से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक जो उसमें ये पॉजिटिव देखने का एक नज़रिया है वो आपको अपनाना पड़ेगा, एक आपका व्यू है उस चीज़ को, उस घटना को, उस सिचुएशन को देखने का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर तनाव हमें कहाँ पे दिखाई देता है, बच्चों में, स्टडी टाइम पे, जॉब या जो काम करते वहाँ पे हमें दिखाई देता है,
और कभी कभी रिलेशन में इसने मुझे ये कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उसको आप एक अलग एंगल से देखने का ट्राई कीजिए तो आपकी लाइफ में 100% चेंज आएगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जैसे कि आपको खुशी होती है, आपको दुख होता है, आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरा आज मूड नहीं है, वैसे ही तनाव भी एक आपका जीवन का हिस्सा है। उसको स्वीकार कीजिए और उसको मैनेज करना सीखिए। उसको आप कम कर सकते हैं, 100% उसको आपकी लाइफ में से आप हटा नहीं सकते हो, क्योंकि हाल का जो समय है उसमें अगर कोई भी बंदा जी रहा है उसके लिए तनाव एक आम बात है। तनाव आपको हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन उसको आप कैसे मैनेज करते हो वो आप पे डिपेंड है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक भेजता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।